नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 वायरस का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों पादप विषाणु, इस तरह से लिखने के बाद पहला नंबर लिखेंगे ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइज में छोटे होते हैं। और दूसरा लिखना है दोस्तों पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो आरएनए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जंतु वायरस यानी जंतु विषाणु लिखेंगे और इसमें पहला नंबर लिखेंगे कि ये साइज में पादप विषाणु से बड़े होते हैं। यानी दोस्तों ये साइज में बड़े होते हैं जो जंतु वायरस है, जंतु विषाणु है ये। दूसरा नंबर लिखेंगे जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। धन्यवाद।